जब हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो दिन भर में भी बहुत सी सही चीज़ें होती हैं। इस जेंटल योगा फ्लो से आप अपने दिन को एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट दे सकते हैं। हम चाइल्ड्स पोज में शुरू करेंगे। घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लीजिए और हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड कर दीजिए। उत्थिता बालासन, यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर ले आइए। आपको अपनी राइट साइड बॉडी में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा, अपर आर्म्स, बाइसेप्स। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर ले आइए। लेफ्ट आर्मपिट में आपको अच्छा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। गहरी सांस लीजिए। एक्सहेल के साथ हैंड्स एंड नीज पोज में आ जाइए। अब हम शरीर से सर्कल्स बनाएंगे, पहले राइट से लेफ्ट की ओर। इनहेल के साथ आगे, एक्सहेल के साथ पीछे। शरीर में कोई भी स्टिफनेस को खोलने के लिए ये बहुत अच्छा पोज है। कीप ब्रीदिंग। अब सर्कल को रिवर्स करिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शरीर को मूव करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब टेबल टॉप पोज में आ जाइए। आपके हाथ आपके शोल्डर्स के एकदम नीचे रहेंगे और घुटने आपके हिप्स के एकदम नीचे। अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर खोलिए और लेफ्ट हैंड के बीच में जो गैप है उससे ले जाते हुए राइट शोल्डर को मैट पर ले आइए। थ्रेड द नीडल। लेफ्ट हैंड मैट के ऊपर की ओर जाएगा, आपकी दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। ब्रीद। ऊर्ध्व मुख पासासन, गहरी सांस लीजिए। एक्सहेल के साथ बैक टू सेंटर। अब हम लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर खोलेंगे और राइट हैंड के थ्रू ले जाते हुए लेफ्ट शोल्डर को मैट पर लाएंगे। राइट आर्म मैट के ऊपर की ओर एक्सटेंड होगा, दृष्टि स्काई की तरफ रहेगी। गहरी सांस लीजिए। बैक टू सेंटर। अब हम राइट पैर को पीछे की ओर खोलेंगे, घुटना बेंड रहेगा और हिप रोटेशंस करेंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग हिप मोबिलिटी। पहले हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, फिर हम सर्कल को रिवर्स करेंगे। सांस लेते रहें, पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। लेफ्ट पैर को मैट पर फर्मली ग्राउंड करिए और इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले आइए। अंजनी आसन, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। यहां पर गहरी सांस लीजिए। हाथों को अब मैट पर ले आए और सामने वाले पैर को सीधा कर लें। अर्ध हनुमान आसन, इनहेल के साथ पॉइंट योर फुट, एक्सहेल के साथ फ्लेक्स। इनहेल,
point. Exhale, flex. पीठ को सीधा करिए, हैमस्ट्रिंग्स में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा. रिलीज. अब हम लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, घुटना बेंड रहेगा और नी सर्कल्स करेंगे. कीप ब्रीदिंग, रिवर्स द सर्कल. Experience a nice opening in your hip. Extend the leg behind. और फिर हाथों के बीच में पैर को step करिए. Ground down from the right foot. और inhale के साथ अंजनी आसन में आ जाइए. चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए. Really enjoy your yoga practice. Breathe. हाथों को मैट पर ले आए और सामने वाले पैर को सीधा कर लीजिए. आपको अपने काफ मसल में और हैमस्ट्रिंग में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा. इनहेल के साथ पॉइंट योर फुट. एक्सहेल फ्लेक्स. इनहेल पॉइंट. Exhale, flex. Inhale, point. Exhale, flex. Inhale, exhale. पीठ को सीधा करें, elongate your spine, and then release. अब right hand को आगे की ओर extend कर लीजिए और left पैर को पीछे की ओर. 50-50 plank. अब राइट हैंड को राइट की ओर ले आए और पैर को लेफ्ट की ओर. एक्सटेंड वंस मोर. रिलीज. अब राइट पैर को पीछे की ओर खोलें और लेफ्ट आर्म को आगे की ओर. राइट पैर को राइट की ओर ले जाएं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की ओर. एक्सटेंड. And release. पैरों को एक तरफ स्विंग कर लें and come into seated pose. यहां पर हम cat and cow लेंगे. Inhale के साथ chest को खोलें और ऊपर की ओर देखें. Exhale, पीठ को round करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे. Inhale, open up the chest. Exhale, round your spine. Inhale, chest को खोलें. Exhale, round your spine. Center में आ जाएं. Right पैर को ऊपर की ओर खोलें. Left hand से right पैर को पकड़ लीजिए और right arm को पीछे की ओर खोल लीजिए. दृष्टि पीछे की ओर रहेगी. हम नेवल से ट्विस्ट कर रहे हैं. अगर हो सके तो आप पैर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, घुटने को सीधा कर सकते हैं. ओनली इफ कंफर्टेबल. योगा प्रैक्टिस में आपको कहीं पे भी पेन नहीं होना चाहिए. रिलीज. अब लेफ्ट पैर को ऊपर ले आए और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लें. लेफ्ट आर्म को हम पीछे की ओर खोलेंगे. दृष्टि टुवर्ड्स द बैक ऑफ द मैट. ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल. हो सके तो लेफ्ट घुटने को आप सीधा कर लीजिए. गहरी सांस लेते रहें. रिलीज. कम टू सेंटर. और अब हम बद्ध कोण आसन लेंगे, बटरफ्लाई पोज. तो दोनों पैरों को हाथों से क्लास्प कर लीजिए.
घुटने साइड की ओर खुले रहेंगे, चेस्ट खोलें, इनहेल और एक्सहेल के साथ हम अपने माथे को पैरों की ओर लेके आएंगे। अपनी एल्बोस से आप इनर थाइस को खोलने की कोशिश करिए। गहरी सांस लेते रहें, रिलीज। अब हम उपविष्ट कोण आसन में अपने पैरों को खोलेंगे जितना कंफर्टेबली हो सके और अपने फिंगर टिप्स पे आ जाइए। धीरे धीरे फिंगर टिप्स को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। आपको इनर थाइज में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। पीठ को सीधा रखें, शोल्डर्स को राउंड ना करें। गहरी सांस लीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और अपने राइट आर्म को ऊपर की ओर एक्सटेंड करिए। जितना हो सके हम लेफ्ट की ओर बेंड करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी राइट साइड बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। कम बैक टू सेंटर। अब राइट पैर के अंगूठे को राइट हाथ से पकड़ लीजिए और लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर एक्सटेंड करिए। जितना हो सके हम राइट की ओर बेंड करेंगे। ब्रीथ। रिलीज। अब अपने घुटनों पर आ जाइए एंड कम इनटू वीर आसन। हाथों को हम पीछे की ओर क्लास्प करेंगे और चेस्ट को खोलेंगे। इनहेल डीपली। स्ट्रेच स्ट्रेच। रिलीज। अब हम अधोमुख स्वानासन में आएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपने शरीर से एक इन्वर्टेड वी शेप बनाएंगे और यहाँ पर पैरों को चलाएंगे। धीरे धीरे वॉक टूवर्ड्स योर हैंड्स। हाथों की ओर वॉक करेंगे और मैट के ऊपर की ओर आ जाएंगे। ऑपोजिट एल्बो को ऑपोजिट हैंड से क्लास्प करेंगे एंड वी विल मूव साइड टू साइड। रिलैक्स योर हेड। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। हाथों को मैट पर वापस ले आएं और धीरे धीरे पीछे की ओर वॉक करें। डाउनवर्ड डॉग में एक बार फिर से आ जाएं और अपनी दृष्टि को अपनी नाभि पर ले आएं। यहां पर गहरी सांस लीजिए। हिप्स को ऊपर की ओर पुश करिए। ब्रीथ। रिलीज। और अब अपनी पीठ पर आ जाएं। कंफर्टेबली लेट जाइए। हाथों को हम साइड में खोलेंगे। नीज आर टुगेदर। अब हम नीज को राइट साइड की ओर लेकर जाएंगे। स्पाइनल ट्विस्ट। दृष्टि लेफ्ट की ओर रहेगी। दिस हेल्प्स टू रीअलाइन द बैक। अब घुटनों को हम लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे और दृष्टि राइट साइड की ओर आ जाएगी। एक बार फिर घुटनों को राइट की ओर ले जाएं। टुवर्ड्स द लेफ्ट। गुड मसाज फॉर योर स्पाइन। अब हम आनंद बालासन लेंगे। अपने पैरों को हाथों से पकड़ लीजिए जैसे छोटे बच्चे पकड़ते हैं। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें एंड मसाज योर स्पाइन as you roll from side to side.
रिलैक्स। अब आप शव आसन में लेट जाइए। हम रेकमेंड करेंगे कि आप 3 से 5 मिनट शवासन में लेटे रहें। शरीर को रिलैक्स करिए, मन को रिलैक्स करिए। वी विश यू अ वेरी जॉयफुल डे अहेड। हमारे साथ रोज सुबह लाइव योगासनास प्रैक्टिस करने के लिए और अष्टांग योग फिलॉसफी के बहुत से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज्वाइन अस फॉर द 21-डे योगा चैलेंज। क्लिक हियर टू रजिस्टर। आई विल सी यू ऑल ऑन योर मैट्स।